नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त। और आज मैंने अपने घर में साउथ इंडियन स्टाइल में ये टमाटर और प्याज की चटनी को बनाया है। तो चलिए आइए देख लेते हम लोग कि इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं और क्या क्या सामान हमने लिया है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। प्याज और टमाटर की चटनी बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने ओनियन को मोटा मोटा रफली कट कर लिया है और इधर जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी टमाटर की उतनी मैंने तीन से चार के आसपास मैंने टमाटर लिया है। और इधर रेड चिली और ग्रीन चिली, इधर कोकोनट पाउडर है, कड़ी पत्ता है, इमली का पेस्ट है। तो आइए चलिए हम लोग बनाते हैं ये प्याज और टमाटर की चटनी। पैन में सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इसमें 14 से 15 मैंने लहसुन की कलियां लिए हैं। हमारा ऑयल का पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें रेड चिली डाला गया है, उसके बाद लहसुन डाला गया है, उसके बाद ऑनियन। ये सबको हमें फ्राई नहीं करना है, बस सौते भर करना है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डालेंगे, इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाल दिया हमने ताकि दोनों का फ्लेवर आ जाए इसमें। बहुत ही डिलीशियस ये चटनी बनने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ जरूर से बने रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ओनियन और लहसुन सौते हो चुका है, अब इसमें टमाटर हम लोग डालेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही सौते कर लेंगे। इसको बीच बीच में बराबर से सौते करेंगे चलाते हुए। थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ा नरम भी पड़ जाए। इसमें अब हम लोग हल्दी थोड़ी सी डालेंगे। थोड़ी सी इमली के पल्प, सबको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से सौते हो चुका है। अब इसको हम लोग, हमने इंडक्शन ऑफ कर दिया है, थोड़ी देर के लिए ठंडाने के लिए रख देंगे। इसमें कोकोनट ऊपर से पाउडर रख दिया है, कोकोनट पाउडर को हमने डाल दिया है इसमें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसे मिक्सी में हम लोग पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, अब इसे बस पेस्ट बना लेना है। थोड़ी सी पानी डाला मैंने ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन सके। ये हमारा पेस्ट हो चुका है, इसे मैंने पॉट में निकाल लिया है। अब इसमें तड़का लगाएंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग तड़का लगाने वाले हैं।
हमारा तड़के का पैन चढ़ चुका है और गर्म हो रहा है। इसमें मस्टर्ड ऑयल अब पड़ रहा है। जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे और क्रैकल अच्छी तरीके से आने देंगे। क्रैकल आ चुका है, इसमें कड़ी पत्ता और रेड चिली दोनों हमने डाल दिया है। अब थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। इस चटनी में डाला जा चुका है। अब ये टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये शानदार प्याज और टमाटर की चटनी। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था इस साउथ इंडियन टमाटर और प्याज की चटनी को बनाना। तो मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपनी कीमती राय हमें देना ना भूले दोस्तों। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक यूं ही नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।